हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल्टी ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इस पार्ट के अंदर हम सब्जेक्ट्स विच कैन बी टोट थ्रू न्यूज़पेपर, यानी कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम अखबार की मदद से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज, यानी कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सिखानी है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी, उर्दू, संस्कृत, जो भी हमारी लैंग्वेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि बस हिंदी और इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर हैं, हर भाषा के न्यूज़पेपर आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को नई चीज़ें अगर आप सिखा रहे हैं तो आसानी से वो लैंग्वेज आप सिखा सकते हैं, वो भाषा किसी भी बच्चे को सिखा सकते हैं। वो पढ़ने की जैसे जैसे उसको आदत रहेगी, वो नए वर्ड सीखता हुआ चला जाएगा, उनको एक्सप्रेस करने का उसको तरीका पता चल जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। न्यूज़पेपर अगर आप, जैसे कि मैं इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, इसी तरीके से अगर मेरे को हिंदी नहीं आती तो मैं हिंदी में जब चीज़ों को पढ़ना शुरू करती हूँ तो मेरे को हिंदी भी आ जाती है। तो वो क्या चीज़ है, एक तरीके से हम लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं और साथ के साथ हमारी डेवलपमेंट हो जाती है उस लैंग्वेज की। नेक्स्ट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी जो है हमें कहाँ से पता चल जाती है, न्यूज़पेपर से। जब जब आप जैसे हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एशियंट पीरियड में क्या था, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर जो है सेशंस के अंदर डिवाइड है, कि ये पर्टिकुलर सेशन स्पोर्ट्स का होता है, ये हमारा कल्चरल एंड हेरिटेज का है, ये साथ के साथ हमारा ये सेशन जो है डिस्टेंस एजुकेशन के रिगार्डिंग है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग आपको नॉलेज दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से सीख पाते हैं। तो जैसे कि न्यूज़ इन ब्रीफ क्या है, इवेंट इन द न्यूज़ क्या है, बिल्डिंग ऑफ एशियंट इंडिया कैसे बिल्ड हुआ, एशियंट इंडिया, ये सारी चीज़ें हम जो है कहाँ से सीख पाते हैं, न्यूज़पेपर से सीख जाते हैं, और जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी भी हम कहाँ से सीख रहे हैं, न्यूज़पेपर से हम ये सब्जेक्ट भी सीख सकते हैं। जियोग्राफी के अंदर यानी कि भूगोल, यानी कि हमारे अर्थ के बारे में हम जान पाते हैं कि क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, आज रेन होगी या नहीं होगी, फोरकास्टिंग वगैरह देख लेते हैं, टेम्परेचर वगैरह के बारे में हम चीज़ें न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ाने में मदद करता है। साइक्लोन के बारे में, अर्थक्वेक क्या होता है, कहीं पर मान लेते सुनामी आई, तो आपको क्या है एक ऐसा पार्ट मिलेगा न्यूज़पेपर में, वो सुनामी से के रिगार्डिंग होगा। उसके अंदर ये भी बताया जा सकता है कि इससे पहले जो है सुनामी उस इलाके में कब आई थी। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री भी बता देते हैं हमें, सुनामी क्या होता है उसके बारे में भी, फिर वो अब कैसे आई, उसका क्या इफ़ेक्ट है, सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस जो है सबसे ज़्यादा डेली लाइफ से जुड़े हुए ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टीचर्स जो हैं वो न्यूज़पेपर की मदद से बच्चों को करंटली क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जीडीपी वगैरह क्या है, रेट वगैरह, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह क्या चीज़ें हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि आज के टाइम में हमारे मतलब कि लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, कौन सा बिल पास हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी न्यूज़पेपर से हम जान पाते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस। साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम पढ़ सकते हैं। साइंस के बारे में भी बुक्स के जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर नई टेक्निक्स क्या डिस्कवर हो रही है, इन्वेंशंस कैसे कैसे आ रहे हैं, रिसर्च किस किस वर्क पे चल रही है, डेवलपमेंट क्या क्या हो चुकी है या हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स के बारे में भी। हम यंगर जो अगर चाइल्ड है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है स्पोर्ट्स में एज़ कम्पेयर टू अगर एल्डर एज में अगर बच्चा पहुंच जा रहा है या एडल्टहुड में पहुंच जाता है, उसके कंपैरिजन में जो बच्चा छोटा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को आप वहाँ से पढ़ा सकते हैं न्यूज़पेपर से। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एजुकेशन में हम किस तरीके से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएंगे या किस तरीके से उनको पढ़ना सिखाएंगे, ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो इफ़ेक्टिव यूज़ अगर आपको न्यूज़पेपर का करना है तो वो आपके जो है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है टीचर की, यानी कि आप किस तरीके से बच्चों को, कोई भी न्यूज़ है, अब बच्चों को अगर आप पूरा न्यूज़पेपर देंगे वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको ये पता है कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है इस न्यूज़पेपर में और वो आप उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो बच्चा उसको दोबारा से जाके रीड भी कर लेता है। तो ये चीज़ हमारे टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड होती है। फर्स्ट आता है डेली डिस्कशन ऑफ न्यूज़पेपर। आपको डेली की डेली
डिस्कशन करनी चाहिए मॉर्निंग असेंबली के अंदर न्यूज़पेपर के बारे में। आपने देखा होगा जब आप बच्चे थे तो उस टाइम पर क्या होता था, स्कूल में प्रेयर होती थी, प्रेयर के बाद जो आपको कुछ कुछ बताया जाता था, फिर न्यूज़पेपर की रीडिंग कराई जाती थी कि आज की 5 न्यूज़ पढ़ो, 10 न्यूज़ पढ़ो। वो हिंदी में भी पढ़ी जाती थी, वो इंग्लिश में भी पढ़ी जाती थी। वो किस लिए पढ़ी जाती थी? ताकि बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा सके। अब लेकिन फ़र्क उसमें बस इतना ही होता था, वो बच्चा हेडिंग पढ़ता था और चला जाता था, कोई उसका यूज़ नहीं किया गया। अच्छे लेवल पर अगर आप किसी बच्चे को कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन थोड़ी अच्छे वे में भी बताई जानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड। न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि आप एक ऐसा बोर्ड लगाएं जहाँ पर आप पूरा न्यूज़पेपर को डिस्प्ले कर दें और जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी नेशनल लेवल के रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, जोक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप उसके ऊपर लगाएं। नेक्स्ट आता है यूज़ मैप, न्यूज़ मैप, यानी कि अगर मैप वगैरह है बुलेटिन बोर्ड के ऊपर प्लेस करें मैप वगैरह को, और बच्चों को जो है बताएं इस चीज़ के बारे में। चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब ये इतना सारा काम जो है कोई भी टीचर या फिर कोई भी स्कूल वाला नहीं करता। अब जैसे कि न्यूज़ आई कि यूक्रेन एंड रशिया के अंदर वॉर चल रहा है, अब ये न्यूज़ तो आपने न्यूज़पेपर पे लगा दी है, बट बच्चे को यही नहीं पता कि यूक्रेन एंड रशिया है कहाँ पर, तो वो जो न्यूज़ है वो पढ़ भी लेगा तो भी उसके काम नहीं आएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को चीज़ों को दिखा कर ज़्यादा सिखाया जाए। नेक्स्ट आता है मेकिंग चार्ट्स मैप एंड ग्राफ। चार्ट्स को बनाएं, मैप्स का यूज़ करें, जो जो क्राइसिस हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को बताने के लिए, कहाँ से क्या चीज़ें हुई वो दिखाने के लिए आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करें। प्रिपेयरिंग स्क्रैप बुक ऑफ न्यूज़ पिक्चर्स और स्टोरीज। स्क्रैप बुक क्या होती है? ये एक ऐसी बुक होती है जो कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, जिसके अंदर हम हमारा मान लेते हैं फर्स्ट सेशन जो है उस बुक का जो है फर्स्ट पार्ट ऐसे रखते हैं कि ये डेली न्यूज़ है, दूसरे पार्ट पे हम हिस्ट्री की न्यूज़ हैं, तीसरे पार्ट पे हम पॉलिटिकल न्यूज़, ज्योग्राफिकल न्यूज़, इस तरीके से उसको डिवाइड करके रखते हैं। और एक एट द एंड हम एक पूरी स्क्रैप बुक बनाकर तैयार कर देते हैं ताकि बच्चा जो है सारी इंफॉर्मेशन उसको अच्छी तरीके से याद रहे। ड्राइंग कार्टून्स टू इलस्ट्रेट न्यूज़। कार्टून्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए न्यूज़ को बताने के लिए। बच्चा जो है कार्टून को देखकर ज़्यादा सीखता है, या फिर अगर हम बड़ों की भी बात करें वो भी जो है कार्टून को देखकर ज़्यादा सीख जाते हैं, या फिर अब जैसे कि अगर हम देखकर ही ज़्यादा सीखते हैं, सिर्फ रीडिंग से हम नहीं सीख पाते। नेक्स्ट आता है ड्रामेटाइजिंग न्यूज़ इवेंट, यानी कि क्या क्या हमारे फेस्टिवल्स हैं, हाई लेवल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, नेगोशिएशंस किस तरीके की हो रही हैं, वो सारी बातें जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट उनके रिगार्डिंग बताना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट आता है क्विज़ एंड कॉम्पिटिशन होने चाहिए। क्विज़ अरेंज करनी चाहिए न्यूज़ के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम, और कंपटीशन भी होना चाहिए, स्कूल्स के अंदर कंपटीशन कराया जाना चाहिए न्यूज़ जो करंट अफेयर्स वगैरह है उसके रिगार्डिंग। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।